लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी केवल पीएम मोदी के चेहरे को ही आगे रखकर प्रचार में जुटी है। पार्टी ने अब तक अपने दिग्गजों के चेहरों से पर्दा नहीं हटाया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस खुलकर अपनी रणनीति के साथ सामने आ रही है। पार्टी ने बिना देर किए एक के बाद एक दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है। कांग्रेस ने अपनी चौथी लिस्ट भी जारी कर दी है, जिसमें उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्वोत्तर पर निशाना लगाया गया है। सत्ता की रेस में आगे निकलने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रचार प्रसार का शोर तेज हो रहा है, जमकर रैलियों से हुंकार भरी जा रही है। अब इस रेस में कौन सा दल आगे निकलेगा, ये तो 23 मई को साफ होगा। लेकिन जंगे मैदान में उम्मीदवारों को उतारने की रेस में कांग्रेस ने बीजेपी को काफी पीछे छोड़ दिया है। जहां पिछले एक हफ्ते से बीजेपी में केवल मंथन का दौर ही चल रहा है, तो वहीं कांग्रेस ने अपने 27 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट भी जारी कर दी है। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्वोत्तर को साधने के लिए कांग्रेस ने दिग्गजों पर दांव लगाया है। इस लिस्ट में केरल की 12, उत्तर प्रदेश की 7, छत्तीसगढ़ की 5, अरुणाचल प्रदेश की 2 और अंडमान निकोबार की 1 सीट के लिए प्रत्याशियों के नाम शामिल है। कांग्रेस ने अरुणाचल के पूर्व सीएम नबाम तुकी को अरुणाचल पश्चिम से मैदान में उतारा है, तो वहीं दक्षिण राज्य केरल में कब्जे की जिम्मेदारी शशि थरूर को सौंपी गई है। शशि थरूर को तिरुवनंतपुरम सीट से टिकट दिया गया है, उनके साथ 11 और उम्मीदवारों पर भी दाम लगाया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश की कैराना सीट से हरेंद्र मलिक को, बिजनौर सीट से इंदिरा भाटी समेत 5 सीटों पर भी दिग्गजों को मैदान में उतारा है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, बस्तर और कांकेर से उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। अरुणाचल पूर्व से जेम्स लोवांगचा वांगलेट और अंडमान निकोबार सीट से कुलदीप राय शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। मोदी सरकार से सत्ता वापस लेने के लिए जहां कांग्रेस ने नए चेहरों पर दाम लगाया है, तो वहीं कई नेताओं के टिकट भी काटे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीसी चाको और पूर्व केंद्रीय मंत्री केवी थॉमस का टिकट काटा गया है। इन उम्मीदवारों के साथ ही पार्टी अब तक 81 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर चुकी है। अब देखना होगा कि आगे किस किस पर दाम लगाया जाता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।